अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में विजन टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शेरियार शेख और मेरे साथ मौजूद हैं उनसा क्या नहीं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं डायमंड क्रिकेट ग्राउंड में जहां पर सेकंड इंटर डिपार्टमेंटल वुमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें चार टीम्स पार्ट ले रही हैं, एक PCB, दूसरी HEC, तीसरी ZTBL और स्टेट बैंक। उनके दरमियान जो मुकाबला हो रहा है और जो टूर्नामेंट चल रहा है, आइए यहाँ पे मौजूद जाके प्लेयर से और जो ऑफिशियल्स हैं उनसे पूछेंगे कि वो इस टूर्नामेंट को क्रिकेट की जो प्रमोशन है खास तौर पे फीमेल क्रिकेट की प्रमोशन में कहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तो हमारे साथ मौजूद हैं वुमेंस क्रिकेट टीम की सिलेक्शन ऑफिसर असमाविया इकबाल। तो मैं उनसे पहले पूछना चाहूँगा कि अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। अच्छा, तो जैसा कि इधर माशाल्लाह मैदान सजा हुआ पूरा, तो अभी इधर कुछ देर में टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है वुमेंस क्रिकेट टीम का, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बींग अ सिलेक्टर ऑफिसर, आपको कभी लगा कि इधर फेयर सिलेक्शंस होती हैं या फिर कोई ऐसे मामलात वगैरह जो कि आपको पता है अंदर जो इंटरनली जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिलती हैं आम आवाम को, क्या ये बातें ही सिर्फ बनी है, ऐसा होता भी है? जब से हम मैं सिलेक्शन कमेटी में आई हूँ, लास्ट ईयर भी थी, और हमेशा से कोशिश ये की है कि फेयर सिलेक्शन की जाए, और उससे पहले जितनी भी सिलेक्शन हुई है जब मैं पाकिस्तान टीम की प्लेयर भी थी हमेशा फेयर सिलेक्शन हुई है और जो लड़कियां डिज़र्व करती थी उनको चांस हमेशा मिला है। और जब से मैं भी सिलेक्शन कमेटी में आई हूँ मैंने भी हमेशा से यही कोशिश की है कि लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाए, जो लड़की डिज़र्व करती है, जो टैलेंट है वो पाकिस्तान को ज़रूर सर्व करे। और इस टूर्नामेंट में भी यही कोशिश होगी कि जितना यंगस्टर्स हैं जितना न्यू टैलेंट है वो हम पाकिस्तान टीम के लिए आगे सर्व करें। तो डू यू रियली थिंक के हमारी मतलब माशाल्लाह जो हमारी वुमेंस क्रिकेट टीम है उसमें इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है आजकल की वुमेंस में, इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो हर मैदान में चाहे वो खेल का हो या कोई कॉर्पोरेट ऑफिस का हो तो उसमें इतना अच्छा किरदार अदा कर रही हैं, तो डू यू रियली थिंक के ऐसे होते रहनी चाहिए ऐसे टूर्नामेंट्स भी और ऐसे चीज़ें के ऐसी एक्टिविटीज़ की कि जो हमारी वुमेंस को आगे प्रमोट करती हैं? जी ऑब्वियसली वुमेन जो है पूरा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी नेशन के प्रोग्रेस के लिए। जितनी भी हमारी फ़ीमेल हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, बेशक वो स्पोर्ट्स की हो, एजुकेशन की हो, किसी भी फील्ड की हो। और आपने देखा भी होगा जितनी जल्दी हमारी वुमेंस ग्रोथ कर रही हैं हर डिपार्टमेंट में, बड़ी खुशी होती है कि लड़कियाँ पूरे पाकिस्तान में जिस तरह आगे आ रही हैं, खेल के मैदानों में आ रही हैं, गोल्ड मेडल जीत रही हैं, स्टडीज़ में इतना आगे जा रही हैं। तो जितना हम लोग औरतों को सहूलत मुहैया करेंगे, अच्छा इन्वायरमेंट देंगे कि लड़कियाँ अपने जितना भी टैलेंट शो कर सकें, तो बहुत अच्छी बात होगी। थैंक यू सो मच मैम। इस वक्त हम मौजूद हैं सना मीर के साथ जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, जो कि वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुझे बताएं, एज अ वुमेन आप जब फील्ड में खेल रही होती हैं तो कितनी डिफ़िकल्टीज आपको पेश आती हैं? फील्ड में खेलते हुए तो कोई डिफ़िकल्टी अल्लाह का शुक्र नहीं आती, क्योंकि हम बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं कि हम फील्ड में परफॉर्म कर सकें, पर डेफिनेटली आउट ऑफ द फील्ड आपको बहुत से काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अभी भी स्पोर्ट्स का कल्चर नहीं है पाकिस्तान में, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इवन लड़कों के लिए भी एक स्पोर्ट्स का जो कल्चर है वो भी डेवलप होना बाकी है इस मुल्क में। अच्छा ये तो है कि फ़ीमेल्स के लिए ख़ास तौर पर क्रिकेट बहुत ही एक मुश्किल, और हमारी जो कौम है वो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती किसी भी तरह से, तो जो नई प्लेयर्स आ रही होती हैं उनको ट्रेनिंग के हवाले से और इन चीज़ों के हवाले से बताइएगा थोड़ा कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग, सिलेक्शन, हर चीज़ के हवाले से थोड़ा बताइएगा। नहीं जी, कौम ने तो बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया है वुमेंस क्रिकेट को, और हमें तो बहुत इनक्रेजमेंट मिली 2005 से हमारी ये जर्नी PCB के अंडर शुरू हुई, उससे पहले ज़्यादा मुश्किल थी एक्सेप्टेंस में, पर जब से हमने शुरू किया है 2010 के बाद तो एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा थी गोल्ड मेडल के बाद, अभी भी एक्सेप्टेंस बहुत है, लोग चाहते हैं उनकी बेटियां क्रिकेट खेलें, सिर्फ प्लेटफॉर्म्स की कमी है। उसके ऊपर भी अब आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है, PCB की 5 अकेडमीज़ शुरू हो चुकी हैं डिफरेंट रीजन्स में, जिसके ऊपर काम हो रहा है, अब स्कूल्स कॉलेजेस में भी क्रिकेट को लाया जा रहा है। कोशिश यही होगी कि ग्रास रूट लेवल पर जितना क्रिकेट को हम डेवलप करें, वहाँ पर फैसिलिटीज़ को बेहतर करें, कोचिंग स्टाफ को अच्छा इम्प्रूव करें, तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह वुमेंस क्रिकेट आगे बढ़ती रहेगी। आज जो यहाँ पे टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे, तो इसको आप कैसे देखती हैं? मतलब एक तो ग्रूमिंग के हवाले से, दूसरा फील्ड में वुमेन इसमें कितना अच्छा प्ले कर सकती हैं, और आगे जाके यहाँ पे क्योंकि सिलेक्शन भी होनी है जो टैलेंट हंट के थ्रू जो नई आने वाली प्लेयर्स होंगी, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स को आप कैसे देखती हैं?
इसमें दो टीम्स हैं वो काफ़ी मतलब तगड़ी बनी हुई हैं, दोनों पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं ZTBL में और स्टेट बैंक में। बाकी दो टीम्स एक कॉलेज की और एक PCB 11 है, जो कि ऑब्वियसली अभी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, तो थोड़े से हमें वन साइडेड मैचेस देखने को मिलते हैं ज़्यादा। इसको हम और ज़्यादा अगले साल में आने वाले एडिशन्स में इम्प्रूव किया जा सकता है कि हम लोगों के पास जो टीम्स हों वो ज़्यादा वेल बैलेंस्ड हों, क्योंकि क्रिकेट ज़रा कम होती है तो नंबर ऑफ़ मैचेस कम होने की वजह से, और फिर ये इस तरह के लॉपसाइडेड जब होते हैं कॉम्पिटिशन, उसमें हमें डेफिनेटली जो सिलेक्शन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है सेलेक्टर्स को भी और कप्तान को भी। पर ऑब्वियसली जब बड़े मैच होते हैं, जब ZTBL स्टेट बैंक का मैच होता है या PCB का और HSC का जो एक जैसे टीम्स हैं, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचेस भी होते हैं। तो बस यही है कि आस्ते आस्ते इस कॉम्पिटिशन को भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, हमें एज प्लेयर्स भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। और इस तरह के टूर्नामेंट जो ख़वातीन के लिए, अभी देखें जो टीम्स आप बता रही हैं जो थोड़ी वीक भी हैं, तो उनकी ट्रेनिंग में ख़ास तौर पे एक मतलब ख़ास पार्ट प्ले करते हैं, और एक देखा जाए गेम्स को आगे प्रमोट, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स कितने इस क्रिकेट ख़ास तौर पे फीमेल क्रिकेट के लिए जो है ना प्रमोशन में कितना उसमें पार्ट प्ले करते हैं? देखिए जी, हम लोगों का बहुत अरसे से आज पाकिस्तान को बने 50 साल हो गए हैं, तो हमारा सारा जो ध्यान होता है वो टूर्नामेंट के ऊपर होता है। मेरे नज़दीक अब इस डिबेट को स्टार्ट होना चाहिए कि टूर्नामेंट से पहले प्रेपरेशन कैसी है। तो जो दो टीम्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग है उनकी प्रेपरेशन थोड़ी बेहतर होती है, और जो नहीं है उनकी प्रेपरेशन ज़्यादा नहीं होती। तो प्लेयर्स के लिए वो प्लेटफॉर्म्स जिसके ऊपर अब काम भी हो रहा है, हम लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना है ताकि पूरा साल इनकी तैयारी रहे और हमें अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले। पर डेफिनेटली बहुत से प्लेयर्स इन्हीं टूर्नामेंट्स में निकल के आज तक पाकिस्तान में आए हैं, उन्होंने जब बड़ी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया या दूसरी टीम्स के अगेंस्ट परफॉर्म किया तो वहीं से निकल के वो पाकिस्तान खेलें। तो ये टूर्नामेंट्स इसलिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं कि लड़कियों को मैच प्रैक्टिस मिल सके, कंपटीशन का टेस्ट मिल सके। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सिद्रा अमीन। तो सिद्रा जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना पसंद करूँगा कि एज यू नो कि ये सेकेंड इंटर डिपार्टमेंटल वुमेन टूर्नामेंट चल रहा है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है और आप कैसे देखती हैं इस टूर्नामेंट को कि ये एक वुमेंस क्रिकेट टीम के लिए किस तरह से एक बेनिफिशियल है? पहले तो मैं कहती हूँ कि ऐसे टूर्नामेंट्स का क्रेडिट ऑब्वियसली हमारे बोर्ड को जाता है, PCB को जाता है, और उसके अलावा हम सबको फ़ायदा इसका यही होता है कि नए से नया टैलेंट दिखने में आता है, सामने आता है। हर कोई ना कोई लड़की ज़रूर इस टूर्नामेंट से निकलती है और वो पाकिस्तान कैंप के लिए कॉल आउट करते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान टीम का भी हिस्सा में भी बन जाती है अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से। तो एक और जो मेरा आपसे सवाल है वो ये है कि जहाँ तक मुझे पता है, इनफैक्ट जो मेजॉरिटी हमारी पाकिस्तानियों को पता है कि आजकल की जो जो वुमेंस हैं, ख़वातीन हैं, कि वो डॉक्टरी के शोबे में ज़्यादा या फिर बिजनेस या फिर कॉर्पोरेट का जो शोबा है उसमें ज़्यादा, तो आपका कैसे क्रिकेट की तरफ इंटरेस्ट हुआ? सेम, मुझे लगता है कि ये ऐसा शौक है कि आप स्टार्ट में खेल रहे होते हो। मेरे माशाल्लाह से 5 भाई हैं, तो मुझे कभी कभी यही लगता है कि लड़कों को देख देख के मेरी भी लड़कों वाली हरकतें थी, लेकिन तो शौक वैसे बचपन से था, लेकिन मुझे लगता है जो एज ए प्रोफेशनल मैं फील्ड में आई वो मैं फर्स्ट ईयर से स्टार्ट की थी खेलना प्रॉपरली। तो अभी तक मतलब आपको कैसे रिस्पॉन्ड मिल रहा है, आप सेटिस्फाइड हैं अपनी खुद परफॉर्मेंस से? जी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम बाहर वालों को कंपेरिजन करें अपने साथ, तो इंसान का काफ़ी मुझे लगता है कि अभी हमें बहुत आगे जाना है। उनको देख के लगता है कि अभी हम काफ़ी थोड़ा उनसे पीछे हैं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ये लर्न भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं, हमारी मैनेजमेंट थ्रू आउट फिटनेस से लेके हमारी स्किल्स तक तो हमें काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता हम मैच करने की कोशिश कर रहे हैं और इवन हो भी रहे हैं। तो एक और चीज़ के मैं आपसे ये पूछना पसंद करूँगा कि जाहिर सी बात है कि आप जिस फील्ड में, कोई ना कोई तो प्लेयर होता है जो आइडल होता है किसी का, तो आपका कौन सा प्लेयर है जो आइडल है? मुझे वैसे बहुत ज़्यादा प्लेयर्स पसंद हैं अपनी लड़कियों की टीम में भी और लड़कों में भी, तो मोस्ट फेवरेट बताएं आप जो हमारी इंटरनेशनल जो टीम है उसमें से। उसमें से मुझे शुएब मलिक पसंद है। अस्सलाम वालेकुम, आप अपना तारुफ खुद ही नाज़रीन को करा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी मेरा नाम वसीम यूसफी है और मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद जोन का हेड कोच हूँ फॉर वीमेन वीक। मुझे बताएं कि अगर क्रिकेट की बात देखें, क्रिकेट या कोई भी गेम देखी जाए, तो एक स्टार्ट से बिल्कुल अगर उनको ट्रेनिंग ना दी जाए और एक टैलेंट को आपको पता ना चले कि ये बंदा कर सकता है तो वो होता है, तो स्कूल लेवल में आप कैसे देखते हैं कि टैलेंट हंटिंग और इस तरह की जो चीज़ें वो किस तरह की जाती हैं और उसके लिए आपका क्या जो है ना प्रोग्राम्स हैं? इसके लिए PCB वीमेन विंग में 2 प्रोग्राम्स लेकर आए हैं, जिसमें हम ग्रास रूट लेवल से स्कूल लेवल से गर्ल्स की कोचिंग शुरू की है हमने,
और हम रावलपिंडी इस्लामाबाद के दो प्राइवेट स्कूल्स और दो जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं, और हमारा जो क्वालिफाइड कोचिंग स्टाफ है वो वहाँ पे उनकी कोचिंग करता है, और उसके बाद जो हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स होते हैं उनको हम इवनिंग प्रोग्राम में प्रमोट करते हैं, जहाँ पर उनकी स्किल के ऊपर हम वर्किंग करते हैं, उनकी कोचिंग करते हैं। और हमारा मकसद ये है कि हम पाकिस्तान टीम को अच्छा बैकअप दें, अच्छे प्लेयर्स दें, ताकि हमारी टीम जो है पाकिस्तान क्रिकेट, वीमेन क्रिकेट जो है वो और ग्रो करे। एक चीज़, एक तो वीमेन जो क्रिकेट मैचेस होते हैं वो बहुत लोग देखते नहीं हैं, और बहुत से जो प्लेयर्स हैं उनको लोग जानते भी नहीं हैं, तो आप क्रिकेट की प्रमोशन के लिए, आप मतलब ख़ास तौर पे फीमेल जो क्रिकेट होता है उसकी प्रमोशन के लिए आप क्या करते हैं? जैसे देखिए, हमारे एंड पे जो चीज़ है उसकी प्रमोशन के लिए तो हम कोचिंग से बेस हर चीज़ कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आ जाता है मीडिया की साइड पर, इसमें जैसे आप लोग हैं, आप लोगों की हमें हेल्प चाहिए, जैसे अभी आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आप सारा इस प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट को कवर कर रहे हैं। अब इस चीज़ का जो है अवेयरनेस लोगों में आती जाएगी, वो देखते जाएंगे, इसी तरीके से और मीडिया चैनल्स भी आएंगे और प्राइवेट चैनल्स भी आएंगे, वो भी इनको स्लोली एंड स्टडीली जो है वो इसको टेलीकास्ट करना शुरू करेंगे, तो उससे और बेहतरी आएगी। ये जो आप टैलेंट हंट के थ्रू मतलब जो स्कूल कॉलेजेस से जो मतलब प्लेयर्स लेते हैं आप, तो उनको जो ट्रेनिंग होती है उनकी कोचिंग, उसमें कितनी मुश्किलात पैदा होती है? और ख़ासतौर पर ये देखा जाए कि एक होता है कि गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, एक आप पूरा बाकायदा ट्रेन करते हैं, तो आपको जो प्लेयर्स मिलते हैं उनकी ट्रेनिंग में, कोचिंग में कितनी मुश्किलात पैदा होती हैं? देखिए, सबसे पहले कोचिंग में हमें इतनी मुश्किलात नहीं आती, लेकिन हमें मेन प्रॉब्लम जो आता है वो पेरेंट्स की अवेयरनेस का आता है, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो बहुत कम बच्चों को अलाउ करते हैं कि वो घरों से निकलें और वो जाकर क्रिकेट खेलें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम पेरेंट्स की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम स्कूल्स में भी सेमिनार्स कर रहे हैं, हम स्कूल्स में जो स्कूल का उनका स्टाफ है उनकी मदद से हम लोग बच्चियों में, उनके पेरेंट्स में अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं कि बच्चियां अब इस क्रिकेट को एज अ कैरियर अडॉप्ट कर सकती हैं। और ज़रूरी नहीं कि हर बच्ची जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर बने या बैंकर बने, तो ये एक प्रॉपर जो है एक कैरियर है, इसको एज अ प्रोफेशनली प्रोफेशन जो है वो भी बच्चियाँ अडॉप्ट कर सकती हैं। जो लड़कियां होती हैं फीमेल्स, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, पेरेंट्स कहते हैं भाई तुम्हारी शादी हुई तुमने हांडी रोटी करनी है, तो एक गेम की तरफ और इसको करियर में लेके आना उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, पेरेंट्स की तरफ से परमिशन मिलना, फिर मुआशरा हमारा ऐसा है कि उसकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, तो फिर वो जो आती हैं क्रिकेटर्स और प्लेयर्स सेलेक्ट होने के बाद अगर नेशनल लेवल पर आ जाएँ, तो फिर वहाँ पर आके कुछ ऐसी हैं कि अपने करियर को छोड़ देती हूँ इन बातों की वजह से? देखें, अभी तक तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई हमें, जो कि क्रिकेट का पहले स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड रोज़ बर रोज़ बेहतर होता जा रहा है। हमारे पास जब पहले हमारे ज्वाइन करने से पहले, जो हमारा कोचिंग स्टाफ है उसको ज्वाइन करने से पहले, हमारे पास 30-40 प्लेयर्स ट्रायल्स के लिए आती थी जब हमने जोनल टीम बनानी होती थी, लेकिन अभी जब से हमने स्कूल्स में काम शुरू किया है और पेरेंट्स की काउंसलिंग शुरू किया, तो इसमें तो हमारे पास 178 बच्चियाँ आई ट्रायल्स के लिए, और उसके बाद हमने उसमें अंडर 17 जो ग्रास रूट लेवल पे था वहाँ से उनकी कोचिंग शुरू की, और उसका इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया कि उस एकेडमी के बाद पेरेंट्स अब खुद पूछ रहे हैं कि जी आपका नेक्स्ट प्रोग्राम कब आएगा। तो स्लोली जो चीज़ें अवेयरनेस जो है वो पेरेंट्स में आ रही है, पेरेंट्स इस चीज़ों को समझ रहे हैं, और मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि बच्चियों के लिए जो हमारे वेन्यूज़ हैं वेल सिक्योर्ड वेन्यूज़ हैं, हमारा कोचिंग स्टाफ वेरी क्वालिफाइड मैच्योर कोचिंग स्टाफ है, तो मैं नहीं समझता कि पेरेंट्स को बच्चियों की सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्रॉब्लम होगा और वो इन फ्यूचर बच्चियों को क्रिकेट खेलने के लिए नहीं भेजेंगे, ऐसा कोई मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो आज टूर्नामेंट यहाँ पे जिसका आगाज़ हुआ है, तो आप इस तरह के टूर्नामेंट्स को क्या देखती हैं? ख्वातीन क्रिकेट जो है उसकी प्रमोशन में कितना पार्ट प्ले करते हैं इस तरह के टूर्नामेंट्स? टूर्नामेंट्स होने चाहिए, वुमेन क्रिकेट इसी से इम्प्रूव होएगी, जितने टूर्नामेंट्स हमें मिलेंगे हम उतना ही इम्प्रूव करेंगे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया है PCB ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि कैसा फ़ील होता है जब आपकी बेटी फील्ड में खेलती है, लेकिन जो आपके रिश्तेदार होते हैं या मोहल्ले के लोग या कुछ भी, वो कहते हैं यार इनकी बेटी जाके मतलब क्रिकेट खेलती है, एक तो बेटी की तरफ से वो शौक है, ये बचपन ही खेलती है ना, तो इसके साथ सारे आम लोग इसके साथ है, और ये बहुत मेहनत से इसने मेहनत की है और बहुत इसको। अच्छा, वैसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हों कि मतलब आपकी बेटी खेलती है तो इस वजह से बातें करते हो या इस तरह की चीज़ें रहते हैं ना, ऐसे बातें करते रहते हैं, अगर आपकी बेटी खेलती है, आपकी बेटी पाकिस्तान टीम में है और इधर बाहर मुल्क में आनी जाती नहीं रहती है,
تو اس کے ساتھ ہیں ہم لوگ سارے اس کے ساتھ ہیں اور اس نے بہت محنت کی ہے. اچھا ویسے بے شک لوگ بھی باتیں کرتے ہیں لیکن فیملی کی سپورٹ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور ایک لڑکی کے لیے خاص طور پہ اگر وہ باہر نکل کے کھیلنے کے علاوہ اگر کام بھی کرتی ہے فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ کی اسے اتنی زیادہ سپورٹ مطلب لوگ جو باتیں کرتے ہیں اس کے باوجود حاصل ہے تو کیا آپ کو کبھی مطلب سب سے زیادہ ایک کہتے ہیں فخر کا لمحہ آپ کے لیے کیا ہوا جب آپ کی بیٹی کھیل رہی ہو؟ بہت خوشی ہوئی ہے آپ کو, بہت خوشی ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے جو کھیلتی ہے. تو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ ارسلان. جی ارسلان, جیسا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہمارے انٹرنیشنل پلیئر ہیں مس عالیہ ریاض ان کے بھائی ہیں آپ, تو بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی ہیں؟ میں چھوٹا ہوں ان سے. چھوٹے بھائی ہیں. اچھا تو میں آپ سے یہ پوچھنا سوال پسند کروں گا کہ کیسا لگتا ہے آپ کو کہ جب آپ کا کوئی اپنا کلوز ون اور خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی اپنا سگا بہن یا بھائی ہو تو آپ اس کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے میرا خیال ہے, ایک بھائی ہو یا ایک باپ ہو یا ایک ہسبینڈ ہو, اس کے لیے ایک پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے اپنے کسی کلوز ون کو ایسے لیول پر دیکھنا یا ایسے اسٹیج پر دیکھنا, تو آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس بارے میں؟ آل عالیہ ہم سب کے لیے پراؤڈ ہے, ہم سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے کہ جتنے بھی ہمارے فیملی ممبرز ہیں ان سب میں یہ ہے کہ جو بہت اوپر تک آئی ہے اور اس نے بہت اسٹرگل کی ہے اس چیز کے لیے. یہ شروع سے ہی ایتھلیٹس کے اندر بہت تیز تھی تو اس نے ہر گیم کھیلی ہے, تو ان شاء اللہ اللہ تعالیٰ اللہ پاک نے اس کو موقع دیا ہے اور اس نے اس سے فائدہ اٹھایا اور ان شاء اللہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہی ہے وہ. تو ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے, ہم کہیں بھی جائیں تو ہم خوشی سے نام لیتے ہیں ہماری بہن پاکستان ٹیم میں کھیل رہی ہے, تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے وہ. تو دوسری یہ بات کہ کچھ حد تک ایسے ہوتا ہے سرٹن لیول تک کہ آپ ٹھیک ہے اچھا کھیل تو ایک انٹرنیشنل لیول پہ چلے جاتے ہو, آپ کا نام بن جاتا ہے, لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی چیز ہے کہ شادی کر دی اور گھر کے کھانے پکانے ہانڈی روٹی وغیرہ جو بھی ایز یو نو, تو کیا ادھر بھی ایسے کہ یا آپ سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کو آگے اب یہ کیریئر لے کے چلنا چاہیے یا شادی کو لے کر ان کو انسسٹ کرنا, ایسی کوئی باتیں گھر میں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں عالیہ کی, اپنی مرضی ہے جب شادی کرنا چاہیے, ہمیں اس طرح کوئی مسئلہ تو نہیں عالیہ کے ساتھ. عالیہ جس طرح کرنا چاہیے, عالیہ کی اپنی مرضی ہے, عالیہ کی اپنی زندگی ہے, تو ہمیں تو اس کا کوئی برڈن نہیں اس چیز کا, اسے ہم فل سپورٹ کرتے ہیں. میرا ہمارا بڑا بھائی کامران وہ ان کو فل سپورٹ کرتا ہے, جس طرح جہاں جانا چاہیں جو کچھ کرنا چاہیں, جتنے بہن بھائی ہیں ہم سب کو سپورٹ کرتے ہیں. تو سبھی کرکٹ کے شوقین ہیں یا بس ایک ذرا الٹا اس بار وائس ورسا سین ہوگا کہ بہن کرکٹ کی شوقین نکلے گی؟ نہیں عالیہ کو شوق ہے, مجھے شوق ہے کرکٹ کھیلنے کا, میں خود کھیلتا ہوں کرکٹ, تو باقی تو نہیں ہے ایسا کسی کو شوق نہیں اس طرح, لیکن عالیہ کو بہت شوق تھا, عالیہ اوپر تک آئی ہے تو ہمیں اس چیز سے بڑی خوشی ہوتی ہے. عالیہ کو دیکھتا ہوں, میں خود دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے عالیہ کو, یار مجھے پراؤڈ فیل ہوتا ہے. سب میچ دیکھتے ہیں؟ سب میچ دیکھتے ہیں, کوئی مس نہیں کرتے. مس نہیں کرتے عالیہ کے میچ کوئی بھی ہم. جی تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تیمور اعظم صاحب جو کہ اسلام آباد ریجن کے ہیڈ کوچ ہیں. تو السلام علیکم سر. ویلکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک. سر جیسے کہ یہ سیکنڈ ڈپارٹمنٹل ٹورنامنٹ ہو رہا ہے ویمنس کا 2019-20, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے بارے میں کہ یہ ایک ایمرجنگ جو ہماری پرسنالٹیز ہیں ویمنس میں بھی, ان کو یہ ان کے لیے ایک بڑا اچھا چانس ہے ہمارے ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے, تو آپ کیا کہنا پسند کریں گے اس ٹورنامنٹ کے بارے میں؟ یہ ٹورنامنٹ پی سی بی کا ایک آرگنائز ٹورنامنٹ ہے جو پچھلے 3-4 سال سے ریگولر ہو رہا ہے اور کافی کمپیٹیٹیو ہے, جس میں جتنے بھی جی ڈپارٹمنٹ کی اچھی ٹیمیں ہیں جو کوالیفائی کرتی ہیں وہ کھیلتی ہیں, اور یہیں سے یہی لڑکیاں گروم ہو کے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, تو اچھا پلیٹ فارم ہے, اف دے ڈو ویل دے ول بیکم گڈ پراسپیکٹ ان فیوچر. اور سر ایک اسی کے ساتھ میرا آپ جو آپ سے ایک اور سوال ہے کہ ڈو یو ریلی تھنک کہ جو ادھر کرکٹ ٹیم میں ٹھیک ہے لڑکیوں کی سلیکشن وغیرہ ہو رہی ہے اور جب کچھ آنے والے ٹائم کے ساتھ اور بھی زیادہ اس میں ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں ٹیمس کے اندر, چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو, کرکٹ کا ہو, اسپورٹس کا ہو یا پھر کسی بھی طرح کا شعبہ ہو, تو لڑکیوں کو اس میں پریفرنس دی جانی چاہیے؟ ڈو یو ریلی تھنک کہ لڑکیوں کو جو ہماری جو ہیں یوتھ جو ہے ان کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اسپورٹس ٹورنامنٹس میں؟ جی بالکل, دیکھیں اس ٹورنامنٹ کی جو سب سے اچھی بات ہے کہ ایک انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے جس ریجن میں بھی ہوتا ہے, اور ماشاء اللہ ہماری ریجن میں 2-3 سالوں سے ہی ہو رہا ہے. یہ بہت پریسٹیجیس ٹورنامنٹ ہے, اور جب آتی ہیں لڑکیاں دیکھتی ہیں جو کلب لیول بھی تھوڑا بہت کھیلتی ہیں یا ریجن لیول بھی, تو ایک انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے, اور ظاہر ہے جب انٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہ آگے جا کے ان کے کام بھی آتا ہے اور وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہیں اور اپنا ملک کا نام بھی روشن. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا یہاں پہ موجود جو پلیئرز تھے, ہائی آفیشلز تھے اور جو پیرنٹس تھے, جن سے بھی ہماری بات ہوئی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ اس طرح کے ٹورنامنٹس جو فیمیل پلیئرز ہیں ان کی کارکردگی میں بہت اچھا پارٹ پلے کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ٹیلنٹ ہنٹ کے تھرو جو نئے پلیئرز آتے ہیں وہ فیوچر میں جا کے نیشنل ٹیم میں اور انٹرنیشنل پلیئر ٹیم میں بھی آتے ہیں, اس طرح کی ہنٹنگ کے تھرو وہ آگے جا کے اچھی پرفارمنس پہ ہی آگے اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو جی ناظرین, جیسا بھی زندگی کا شعبہ ہو, چاہے وہ ڈاکٹری کا شعبہ ہو, چاہے وہ بزنس کا شعبہ ہو, چاہے وہ اسپورٹس کا ہی کیوں نہ ہو,
خواتین مردوں سے کسی بھی شعبے میں پیچھے نہیں ہیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ دیکھتے رہیے ویژن ٹی وی, لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.